हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम की। और ये जो वीडियो है ये तीसरी वीडियो है, और टॉपिक हमारा चल रहा था परसेंटेज। परसेंटेज की तीसरी वीडियो है दोस्तों। अगर अभी तक आपने परसेंटेज की एक भी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे प्लेलिस्ट पे जा कर के वहाँ से आप परसेंटेज की वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही आपके बेनिफिशियल होने वाली है एग्ज़ाम के लिए। जो भी रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए ये एग्ज़ाम एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, जो कि 28 अप्रैल 16 में 2016 में हुआ था, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, और साथ ही साथ आपको करना कैसे एग्ज़ाम में वो आप सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट और स्ट्रीमिटल प्रोवाइड होता रहे समय से। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन दिया गया है। जीव को उसकी परीक्षा में 492 अंक प्राप्त होते हैं, यदि उसको 12 अंक और अधिक प्राप्त होते तो उसका जो प्राप्तांक है, अंकों का जो प्रतिशत है वो 84 होता। उसके प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना होता? 84 होता। वह उसकी परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है? दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स पूछे गए हैं, और ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो 492 दिया गया है अंक, इसमें अगर हम 12 जोड़ देते हैं तो दोस्तों 12 अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 504 हो जाएगा, ठीक है। और ये 504 84% के बराबर है, तो 84% के जब बराबर हो जाएगा ये 504, इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो 1% बराबर वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? 504 बटे कितना करेंगे? 84 करते हैं, ठीक है। अब हमें 100% वैल्यू निकालनी है, तो 100% वैल्यू निकालने के लिए 504 बटे 84 फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। तो 84 छक्का क्या होता है? 504, और ये 6 × 100 करेंगे तो 600 आ जाएगा, यानी अधिकतम अंक जो प्राप्त कर सकता है वो है 600, ठीक है। तो समझ में आ गई बात 100% वैल्यू निकालने का। देखिए हमें 84% बराबर दिया गया था, तो 100% हम यहाँ से इस प्रकार से निकालेंगे, 504 बटे 84, ठीक है, और गुणे 100, इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर में दिया गया है। एक कपड़े का जो पर्यवेक्षक है वो कपड़े का 0.09% भाग त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज कर देता है, यानी जो कपड़ा है उसका 0.09% भाग त्रुटि होने के कारण अलग कर देता है। तो 18 कपड़े खारिज करने के लिए कितने कपड़ों का निरीक्षण करना होगा, ठीक है, या किया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान देना। तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है 0.09%, ये आपको दिया गया है जो कपड़ा है उसका इतना भाग त्रुटिपूर्ण है, तो खारिज कितना कपड़ा किया जाता है, टोटल कपड़ा निरीक्षण कितना किया जाता है, खारिज कपड़ा हमको दिया गया है यहाँ पर, यानी हमको यहाँ पर ये दिया गया है। ध्यान से देखिए, जैसा पहले क्वेश्चन किया वैसे ही क्वेश्चन है ये, 0.09% बराबर हमको यहाँ पर दिया गया है 18, ठीक है। तो हम यहाँ से निकालेंगे 1% बराबर, तो 1% बराबर निकालेंगे तो 18/0.09% हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर समझ में आया, 100% वैल्यू यहाँ से जब निकालेंगे आप तो यहाँ पर 18/0.09 गुणे कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, दो जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है, 9 से काटेंगे, 9 × 2 = 18, तो यहाँ पर कितना आया? 200, और ये 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दिया गया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही तो ज़रूर लाइक करिएगा, सम्स ऐसे ही आते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे NTPC ऑनलाइन परीक्षा, जो कि आपकी 28 मार्च 2016 में हुई थी, ठीक है। यहाँ पर दिया गया एक परीक्षा में, मैं सारे सारे टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, ठीक है। परसेंटेज से स्टार्ट किया होता, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है, तो जरूर देखिए, वॉच करिए कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया गया है परीक्षा में 25 सवाल है, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, ठीक है। इसको आसानी से कैसे करेंगे, सरल तरीके से जो आपको याद रहे, ठीक है। अच्छा, सीमा ने क्या किए? 70 अंक प्राप्त किए, ठीक है, कुल 70 अंक सीमा ने प्राप्त किए। उसके उसने कितने सही प्रश्न किए, यानी कितने सवाल सही किए उसने, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर सही प्रश्नों की संख्या हमें पता नहीं है, टोटल संख्या
25 है, तो हमने यहाँ पर मान लिया कि जो सही सवालों की संख्या होगी वो कितनी होगी, x होगी। तो ये तो सही सवालों की संख्या हो गई, गलत सवालों की संख्या तो 25 माइनस एक्स हो जाएगी ये, ठीक है। 25 माइनस एक्स हमारे गलत सवालों की संख्या हो गई और सही सवालों की संख्या हमारी एक्स है। हम एक्स सेलेक्ट करके करेंगे जिससे कि हम एग्ज़ाम में कर पाएँ। बहुत लंबा कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा सा सॉल्ट में करेंगे, ठीक है। लेकिन जल्दी से कैसे कर पाएँ, आंसर हमारा सही आना चाहिए, कैसे आएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक्स जो सही जवाब होते हैं उसके लिए हमें 4 अंक दिया जाता है, तो हमने जो सही प्रश्न किए वो एक्स किए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 का गुणा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो हमने गलत प्रश्न किए वो कितने किए, 25 माइनस एक्स किए, तो इसमें 2 अंक क्या होते हैं, काट लिए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो टोटल सही अंक होंगे वो कितने होंगे, 4x हो जाएंगे। टोटल सही अंकों का जो प्राप्त होगा, ठीक है, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा। जो सही उत्तर हैं हमारे x हैं, सही सवाल, ठीक है, x हैं, और उसमें 4 अंक दिए जाते हैं प्रत्येक सही उत्तर के लिए, तो 4 का गुणा कर देंगे तो 4x हो जाएगा। और यहाँ पर कितने गलत उत्तर हैं हमारे, तो 25 माइनस एक्स है, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि इसमें बोला गया है कि प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काटा जाता है। तो हमें क्या करेंगे, जो हमारा प्राप्त अंक आएगा उसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किसको, ये 50 प्लस 2x इज इक्वल टू हमारा दिया गया है 70 अंक उसको प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4x ये दिया है और 2x ये दिया है, दोनों कितने हो जाएंगे, 6x, ठीक है। और ये 50 है इक्वल, यानी बराबर के दूसरी साइड जाएगा, जो हमको यहाँ पर दिया गया था योग 70, ठीक है, सीमा के अंकों का योग जो प्राप्तांक है वो हमको दिया गया था। तो 50 और 70 120 हो गया, 6 से काटेंगे तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, x बराबर आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। हमारे जो सही पूछा गया है, कितने सवाल सही थे, वो थे 20 सवाल सही, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न में दिया गया है, 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त जो अंक प्राप्त किए गए, इस अनुपात में प्राप्त किए गए हैं, 1:2:3 में। तो क्या हुआ कि स्कूल ने प्रत्येक विषय में क्या किया कि 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया है, ठीक है। तो छात्र के जो नए अनुपात होंगे वो कैसे होंगे, दोस्तों ये बताइए, अगर किसी वैल्यू को हम अनुपात में लिख रहे हैं 1:2:3, ठीक है, इसमें भी 5% बढ़ा रहे हैं, इसमें भी 5% बढ़ा रहे हैं, इसमें भी 5% बढ़ा रहे हैं, तो भैया एक बात बताइए, जब सभी में 5% वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, तो उसमें जब अनुपात में वैल्यू है, रेशियो में वैल्यू है, और सभी में 5% बढ़ रही है, तो कोई भी फर्क नहीं होने वाला है, उसका जो बाद में अनुपात होगा वो वही होगा, ठीक है। उसका जो बाद में अनुपात होगा वो क्या होगा, 1:2:3, मतलब अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और जो भी आपको वीडियोस चाहिए, जिस टॉपिक की चाहिए, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करें, अपने राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।